आज हम जिस क्रिएचर के बारे में जानने वाले हैं, वो भले ही कार्टून कॉमिक्स या गेम्स की वजह से लैमलाइट में आए हो, पर ये हमारी हिस्ट्री में हजारों सालों से एज अ डेकोरेटिव वाटर स्पाउट्स प्रेजेंट है, जिनका नाम है गार्गोइल्स। आज हम इसी मिस्टीरियस क्रिएचर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। गार्गोइल्स को यूजुअली बिल्डिंग्स पर पाई जाने वाली स्ट्रेंज और हॉरिफिक कार्विंग्स की तरह देखा जाता है, जो स्पिरिचुअल गार्डियंस की तरह रात के समय आने जाने वाले राहगीरों और इविल स्पिरिट्स पर नजर बनाकर रखते हैं। प्राइमरली मेडिवल क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में इनका जिक्र मिलता है, जहाँ इन्हें मोस्टली डेकोरेटिव वाटर स्पाउट्स की तरह यूज किया जाता था। इन्हें मोस्टली होली प्लेसेस में इरेक्ट किया जाता था ताकि इन्हें वर्शिप किया जा सके, क्योंकि ये इविल पावर्स और डेमन से होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करते थे। इसके साथ ही ऐसा माना जाता था कि अपनी स्टोनी स्किन और मिथिकल पावर्स के कारण इन्हें चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इन्हें आइडियल गार्डियंस माना जाता था। गार्गोइल वर्ड ओरिजिनली फ्रेंच वर्ड गार्गोइली से निकला है, जिसका मीनिंग है थ्रॉट, गल्ट और टू स्वालो, जो कि गर्गलिंग साउंड ऑफ वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है। आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में यूजुअली स्टोन कार्व्ड गार्डियन गार्गोइल को एज अ वाटर स्पाउट प्लेस किया जाता था, ताकि मैसनरी वॉल्स और मोर्टार को खराब होने से बचाया जा सके। आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स और चर्च को मैक्सिमम डैमेज से बचाने के लिए और रेन वाटर को बिल्डिंग से निकालने के लिए मल्टीपल गार्गोइल इंस्टॉल करते थे, जिनकी शेप ह्यूमन से लेकर एनिमल्स और यहाँ तक कि काइमेरिक फिगर्स तक भी होती थी। मॉडर्न फैंटेसी में गार्गोइल्स को मैजिकल क्रिएचर्स की तरह भी देखा जाता था, जो रात के समय में जिंदा हो जाते थे और उड़ते हुए विलेज, टाउन या चर्च को प्रोटेक्ट करते थे, और जैसे ही सनराइज होने लगता था वो दोबारा अपनी जगह पर आकर स्टोन स्टैचूज में बदल जाते थे। गार्गोइल्स के बारे में ऐसा भी माना जाता था कि ये टेंटेड या डर्टी वाटर को प्योरीफाई भी कर सकते थे, जो एक तरह से फाउल वाटर सप्लाईज को रोककर डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकते थे। इन पॉपुलर मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में एक फ्रेंच लेजेंड भी फेमस है, जिसके मुताबिक टाउन ऑफ रोइन में लोकल बिशप सेंट रोमानस और गार्गोइल के बीच फियरसम बैटल हुई। इस ड्रैगन गार्गोइल्स के पास बैट लाइक विंग्स, लॉन्ग नेक और फैंग्स थे, जो अपने माउथ से फायर भी उगल सकता था। बिशप भी बहुत पावरफुल था, जिसने सिंगल हैंडेडली ड्रैगन को भी कैप्चर कर लिया और उसे जला भी दिया, पर वो फायर उसके हेड को कंज्यूम नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ब्रेथ ऑफ फायर थी। इसलिए सेंट रोमानस ने इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए उसे चर्च की रूफ पर प्लेस कर दिया, जिसके बाद से इन मिस्टीरियस क्रिएचर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। कई जगह इन क्रिएचर्स को विंग्ड ह्यूमनॉइड रेस की तरह भी दिखाया जाता था, जिनके पास डेमोनिक फीचर्स लाइक हॉर्न्स, टेल, टैलेंस और फैंग्स प्रेजेंट होते थे। ये मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स सिर्फ तभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे जब विंड और रेन उनके मुंह के पास से गुजरती थी। जो भी उन्हें ट्रूली रिस्पेक्ट ऑफर करते थे, वो भी उन्हें हार्टली रिस्पेक्ट ऑफर करते थे। हिस्ट्री में वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्गोइल्स पाए जाते थे, पर मोस्ट कॉमन थे फिनलैंड लुकिंग वंस, यानी ऐसे गार्गोइल्स जिनके गले में चेन्स हो। इन चेन्ड गार्गोइल्स का मीनिंग था बीस्ट को कंट्रोल करना, जिन्हें किसी के साथ बॉन्डेड होना तो पसंद था पर कंट्रोल होना नहीं। ये यूजुअली बिना किसी कारण के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसलिए भी इन्हें बीस्ट गार्डियन और प्रोटेक्टर्स की तरह देखा जाता था। सभी मिथ्स, लेजेंड्स और गैसेस में से गार्गोइल्स के बारे में मुझे सिर्फ एक ही मिथ सही लगता है, और वो है इनका क्वाइटली बैठ कर सब कुछ ऑब्जर्व करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।